हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। चलिए तो शुरू करते हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉस के बारे में और ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है द जंक्शन लॉ, है ना। देखते हैं ये जंक्शन लॉ क्या कहता है, काफी लॉजिकल है ये। ये कहता है द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे ये वाला डायग्राम है ना, अब यहां पर आप देखिए कि आई नॉट करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन पर, अब इधर आई वन जा रहा है और इधर आई टू जा रहा है। तो बड़े आराम से हम लोग देख करके ये कह सकते हैं कि आई नॉट को क्या होना पड़ेगा, आई वन प्लस आई टू के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज इस जंक्शन पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जितना आया उतना ही इधर उधर ट्रांसफर हो गया। उसी तरीके से उसके नीचे वाले डायग्राम को देखिए, है ना। अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फिर से आई नॉट करंट इस जंक्शन पर आ रहा है और इस जंक्शन से कितना जा रहा है, आई वन जा रहा है और इधर आई टू जा रहा है। इसका मतलब फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट हैज टू बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, है ना। तो बेसिकली यही है जंक्शन लॉ, द करंट इन टू द जंक्शन मस्ट इक्वल द करंट आउट। और क्यों, क्योंकि चार्जेस कंजर्व। तो देखते हैं क्या लिखा है, दिस रूल इज ऑफन कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नाइदर अ बिल्डअप नॉर अ डिप्लीशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। ना चार्ज बनेगा ना चार्ज कम होगा, ना ही कोई चार्ज चौराहे पर जाकर के रुका रहेगा, जितना चार्ज आया वो इधर उधर ट्रांसफर जरूर होगा। चलिए तो अब आ जाते हैं द लूप लॉ पर। लूप रूल क्या कहता है, आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल एनकाउंटर्ड इन अ कंप्लीट ट्रैवर्सल ऑफ एनी लूप ऑफ अ सर्किट मस्ट बी जीरो। मतलब कि अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे, है ना, इन एनी लूप, तो हम लोग पाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग ए पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर ए पॉइंट से शुरुआत करो और ऐसे घूमते घूमते क्लॉकवाइज सेंस मान लीजिए वहीं पर आ गए, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप आया। जैसे बैटरी के अक्रॉस क्या आया, पोटेंशियल का राइज आया, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप आया। तो जो भी राइज आया जो भी ड्रॉप आया सब कुछ को अगर एड कर दे तो वो नलीफाई होकर के जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, द बैटरी ड्राइव्स करंट थ्रू द रेजिस्टर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये, और हम लोगों ने इसको पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है कि एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। और देखिए क्या लिखा है, अ सिंगल लूप सर्किट इन विच अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी डी विथ ईएमएफ ई, द रिजल्टिंग करंट आई इज द सेम थ्रू आउट द सर्किट, है ना। अगर सिर्फ एक इस तरीके से हमारे पास सिंगल लूप सर्किट है, एक ही लूप है इसमें, तो जितना करंट यहां से, है ना, जितना करंट इस तरीके से यहां से निकलता हुआ दिख रहा है वही हर एक एलिमेंट में गुजर रहा है। क्लियर हुई है बात, तो वही यहां पर लिखा है रिजल्टिंग करंट आई इज द सेम थ्रू आउट द सर्किट। तो आइए इन दोनों डेटा की मदद से अब बात करते हैं कि ये जो लूप रूल है उसको कैसे समझे। सपोज यू स्टार्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट ऑफ द अबव फिगर। आइए सर्किट को देखते हुए बात करते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि किसी भी पॉइंट से आप शुरुआत करिए, है ना। तो चलिए मैं ए पॉइंट से शुरुआत करने की सोचता हूं एंड मेंटली प्रोसीड अराउंड द सर्किट इन आइदर डायरेक्शन, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे तो आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। चलिए इस बार मैंने कैसा ले लिया सेंस, घूमने का, मेरे खुद के ट्रैवल करने का, क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, है ना। तो यहां पर लिखा है मेंटली प्रोसीड अराउंड द सर्किट इन आइदर डायरेक्शन adding algebraically the potential differences that we encounter, है ना। जैसे कि मान लीजिए इस वाले केस में अपने कोई बैटरी भी दिख रही है और फिर एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। Then when we return to our starting point, we must also have returned to our starting potential. आइए देखते हैं ऐसा कैसे। जैसे कि A point से हम लोग चालू किए तो क्या लिखेंगे, VA, है ना, ये A point का potential है। अब देखिए यहां पर बैटरी आ गया, बैटरी आ गया और कैसे, किस तरीके से प्लेसिंग है बैटरी की, पहले
लो पोटेंशियल है फिर हाई पोटेंशियल है, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पोटेंशियल का राइज हो रहा है, तो राइज हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ई। फिर क्या हुआ, फिर रेजिस्टेंस आ गया, और हम लोग ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट भी ट्रेवल कर रहा है। तो मान लीजिए हम यहां है और यहां आना चाहते हैं, तो ये कैसा पोटेंशियल था, ये हाई पोटेंशियल था पहले वाला पॉइंट, और बाद में लो पोटेंशियल हो गया। तो इसका मतलब हम लोग कहां से कहां बढ़ रहे हैं, हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल में कमी आ रही है। तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस आई इंटू कैपिटल आर। बराबर क्या होना चाहिए, बराबर हम लोग वापस उसी जगह पहुंच गए, तो दिस शुड बी इक्वल टू पी ए होना चाहिए। तो यहां से देखिए क्या आ गया, ई माइनस आई आर बराबर जीरो, मतलब जितना पोटेंशियल का राइज हुआ, जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया और वो कितना आ गया, जीरो आ गया। क्लियर है ये बात। और देखिए क्या लिखा है यहां पर, दिस लॉ ऑफन रेफर टू एज किर्चॉफ्स लूप रूल और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ आफ्टर जर्मन फिजिसिस्ट गस्टाव रॉबर्ट किर्चॉफ। दिस रूल इज इक्वेलेंट टू सेइंग दैट ईच पॉइंट ऑन अ माउंटेन हैज ओनली वन एलिवेशन अबव सी लेवल, है ना। जैसे कि हम लोग अगर इसे ज्योमेट्री से ट्रीट करें, ज्योमेट्रिकली ट्रीट करें, ज्योग्राफिकली ट्रीट करें, तो जिस हाइट पर हम लोग हैं किसी माउंटेन के, है ना, मान लीजिए किसी एक हाइट पर है, तो उसका पोटेंशियल हम लोग क्या कह देते हैं, उस हाइट का सेम कह देते हैं। दिस रूल इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट ईच पॉइंट ऑन अ माउंटेन हैज ओनली वन एलिवेशन अबव सी लेवल। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड रिटर्न टू इट आफ्टर वॉकिंग अराउंड द माउंटेन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन एलिवेशन दैट वी एनकाउंटर मस्ट बी जीरो। बिल्कुल सही बात है, अगर आप घूम फिर करके चाहे कुछ भी पहाड़ चढ़े, चाहे कुछ भी इधर से उधर गए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, अगर वापस उसी जगह आ गए, इसका मतलब आपके सारे के सारे एलिवेशन का सम क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, जितना भी आपने चेंजेस इन एलिवेशन अकर किया। जैसे कभी आपने पॉजिटिव चेंज इन एलिवेशन अकर किया, कभी नेगेटिव चेंज इन एलिवेशन आया, कभी और नेगेटिव आया, है ना, फिर कभी पॉजिटिव भी आया, तो इस तरीके से कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे गिरे, कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे गिरे, लेकिन अगर वापस से वहीं पर आ गए, इसका मतलब जितना चढ़ाव है जितना उतार है सबको जोड़ दे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली जीरो। तो काफी लॉजिकल स्टेटमेंट ही है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस रूल फॉर अ मूव थ्रू अ रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, है ना। मान लीजिए कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन ये है, और आप जा रहे हैं ए से बी जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, तो द चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस आई आर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो चेंज कैसा आया, चेंज तो नेगेटिव आया, और कितना आया, माइनस आई आर। और अगर आप बी से ए जाएंगे तो लो से हाई जाएंगे, मतलब पोटेंशियल में जो चेंज है वो पॉजिटिव का आया, प्लस आई आर का। और ऐसा ही कुछ ईएमएफ के लिए भी कह सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से बैटरी है ना, फॉर अ मूव थ्रू एन आइडियल ईएमएफ डिवाइस इन द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ एरो द चेंज इन पोटेंशियल इज ई। मान लीजिए कि आप ए से बी जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल का राइज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी प्लस ई। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते अगर बी से ए जाते, तो आप लिख देते माइनस ई। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, और वो ये है कि द लूप लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय इट इन एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो पिछला लॉ था, है ना, जो पिछला लॉ था वो किसके ऊपर बेस्ड था, जो जंक्शन लॉ था, इट वॉज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये जो लूप लॉ है ये एक्चुअली बेस्ड है ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब हम लोग क्या किए थे, जब हम लोग ट्रेवल किए थे पूरे के पूरे लूप में घूम करके वापस उसी जगह आ गए थे, तो हमने क्या देखा कि उस पॉइंट का पोटेंशियल तो बदला ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सी फील्ड है, यहां पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि कैसी होती है, नेचर में कंजर्वेटिव होती है, जिसके कारण वर्क डन बाय इट इन एनी क्लोज्ड पाथ को क्या आना पड़ता, जीरो आना पड़ता। ऑल राइट, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ करंट इन रेजिस्टर्स जॉइंट इन पैरेलल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दो रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दोनों के अक्रॉस आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, VA माइनस VB का है, है ना। दोनों के एक सिरे A पॉइंट से कनेक्टेड है और दोनों के एक सिरे B पॉइंट से कनेक्टेड है।
अब यहां पर देखिए हम लोग क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। ऊपर वाले सर्किट को अगर देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ लगाते हुए VA माइनस VB बराबर I1 इंटू R1। इसी तरीके से नीचे वाली सर्किट में क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर I2 इंटू R2। और हमारे को ये पता है कि ये जो I है ना जंक्शन रूल से वही I1 प्लस I2 बन गया, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। तो यहां से चलिए एक काम करते हैं हम लोग I1 अपॉन I2 निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहां पर आप अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा I1 बाय I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R2 बाय R1, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट किस रेशियो में बढ़ रहे हैं, वो इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस में बढ़ रहे हैं। और इसके हिसाब से अगर इक्वेशन नंबर 3 का भी यूज कर ले तो अपने को क्या मिल जाएगा I1 बराबर कितना आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय I। और इसी तरीके से I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा सिंपली R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय I, है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रहे तो अच्छा है, बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है इसे डिराइव करना एट द मोमेंट, है ना। तो हम लोग कंक्लूजन के हिसाब से ये स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, द करंट इज डिवाइडेड इन रेजिस्टर्स इन कनेक्टेड इन पैरेलल इन इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर I1 अपॉन I2 क्या आ रहा है R2 अपॉन R1। चलिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग पहुंच गए हैं जो कि है ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू बहुत सारे सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने को दो बैटरीज दी हुई है ना, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्लियर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये दो दो बैटरीज, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी दे रखी है ना R1 और R2। अब अपना मोटिव ये है कि हम लोग एक ऐसी बैटरी बनाए, है ना, जो अकेले क्या करे, जो अकेले इस एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर से अगर कनेक्ट हो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि इस तरीके से एक अकेली एक बैटरी बनी जो कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो, तो भी क्या हो जाए, तो भी सर्किट में जितना करंट अभी फ्लो कर रहा था उतना ही करंट अभी भी फ्लो हो। मतलब मुझे क्या चाहिए, ई नॉट चाहिए और आर नॉट चाहिए, जिसको फिर से अगर मैं कैपिटल आर से कनेक्ट करूंगा तो क्या हो, तो उतना ही करंट फ्लो हो जितना पहले करंट फ्लो हो रहा था। मतलब मुझे इक्विवेलेंट बैटरी चाहिए, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स लूप रूल से, है ना। मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दे रहा हूं, तो चलिए मैं यहां से पढ़ करके वापस इसी पॉइंट पर आता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर VA, फिर इधर क्या हुआ, इधर मुझे बैटरी, अच्छा पहले मैं करंट मान लेता हूँ ना, करंट मान लीजिए मैंने इस सेंस में माना। ऐसा क्यों माना मैंने, क्योंकि ये दोनों बैटरीज ही करंट को किस तरीके से भेजना चाह रही है, वो भेजना चाह रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि करंट तो पक्का इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैंने क्या लिख दिया VA, मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ इस लूप के अराउंड इस तरीके से। ये आपके ऊपर है कि आप लूप में कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं ना, करंट तो अपने हिसाब से बहेगा ही, लेकिन आप कैसे लूप पे बढ़ना चाहते हैं दिस इज एंटायरली अप टू यू। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया VA, फिर मैंने देखा कि ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले है फिर नेगेटिव, मतलब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस E1। अब देखिए यहां पर करंट की फ्लो कैसी है, करंट की फ्लो ऐसी है, तो ऑब्वियस है ना ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब पोटेंशियल में राइज आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूं प्लस आई इंटू R1। इसी तरीके से यहां पर क्या लिख दूंगा मैं अगली बैटरी के लिए माइनस E2 प्लस आई इंटू R2, और फिर जो ये एक्सटर्नल लोड है उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, अगेन करंट फ्लो कर रहा है कहां से कहां पर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो मैं क्या लिख दूंगा कि मैं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा यहां पर प्लस आई इंटू कैपिटल R, और ये किसके बराबर हो जाएगा सारे मतलब VA से मैं बढ़ा कुछ घटा पोटेंशियल, कुछ बढ़ा कुछ घटा, कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा, तो सब कुछ होने के बाद वापस से क्या पोटेंशियल हो गया,
VA ही तो हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, फाइनली VA से VA कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, E1 प्लस E2, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए E1 प्लस E2 इधर चला गया, क्या क्या चला है इस तरफ, इधर आ गया I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, है ना। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में आया वो क्या आया, वो आया E1 प्लस E2, है ना, और राइट साइड में आया I इंटू समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, यही तो है मेरे पास। तो मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूं, I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय, क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, R प्लस R1 प्लस R2। तो देखिए इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है E0 अपॉन R प्लस R0 के तरीके से, जहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया एज इफ कि मेरे सर्किट में क्या है, सिर्फ एक EMF है जिसकी वैल्यू E0 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0 है और एक्सटर्नल लोड कैपिटल R है, तो यही तो मुझे चाहिए था। तो बेसिकली मैं अब कंपेयर कर पा रहा हूं यहां पर, आप देखिए किससे, मैं समझ पा रहा हूं कि E0 की वैल्यू एक्चुअली E1 प्लस E2 है और R0 की वैल्यू एक्चुअली R1 प्लस R2 है। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि अगर मुझे इक्विवेलेंट बैटरी चुननी है ना, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऐसी बैटरी चुननी होगी जो कि दोनों के ईएमएफ के सम के बराबर उसका ईएमएफ आए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, दोनों बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम हो। चलिए तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअली देखिए, इस बार मैंने यहां पर दो बैटरीज लगा रखी है, E1 EMF है और E2 EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 और R2 है और एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस भी यहां पर लगा हुआ है। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये सारा झमेला खत्म हो जाए, अकेले एक बैटरी हो जिसका EMF लेट अस से E0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R0 है और अगर उसको एक्सटर्नल लोड R के अक्रॉस लगा दिया जाए तो वो भी सर्किट में उतना ही करंट I प्रोड्यूस करवा पाए जितना यहां पर हो रहा है। क्लियर है बात? तो चलिए उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस ए पॉइंट से, यहां का पॉइंट का नाम ए देता हूं, इस ए पॉइंट से चलते 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 चलते, है ना, मैं घूम करके अगर वापस यहीं पर आ रहा हूं, और मैं कैसे जा रहा हूं, मैं ए से जा रहा हूं बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, फिर ई की तरफ, फिर ई से एफ की तरफ, और इस तरीके से करते करते मैं वापस ए पे पहुंच रहा हूं, है ना। तो इस केस में इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, आइए सोचते हैं। करंट मैंने मान लिया कि I1 है ना, जो पहले बैटरी से जा रही है। अब आप सोचिए यहां पर कि चूंकि यहां रेजिस्टेंस है और करंट जो है रेजिस्टेंस के अलोंग कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर मैं खुद भी ट्रेवल कर रहा हूं हाई से लो, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल का ड्रॉप, और कितना लिखूंगा, माइनस I1 R1। फिर अब देखिए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, बैटरी का टर्मिनल ही इस तरीके से रखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस E1। अब यहां से यहां गया कोई दिक्कत नहीं है, यहां जैसे ही आया तो आप देखिए फिर से करंट जा रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में भी जा रहा हूं। तो अब रेजिस्टेंस है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, तो अगर मैं भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट तक जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, कितने का, माइनस IR का। अब इसको किसके बराबर कर दूंगा मैं, जीरो के। क्लियर है? मैं शुरुआत में VA लिख देता, बाद में भी VA लिख देता तो कैंसिल हो जाता, तो इसीलिए इस बार मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप आया, जो भी पोटेंशियल का राइज आया, जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप आया, इन सब को मैंने ऐड करके जीरो के बराबर कर दिया, है ना। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इस बार क्या करूं, इस बार मान लीजिए कि मैं इस ABCDEF हो गया ना, जी पॉइंट से चलना चालू करता हूं और मैं G से होते हुए CDEFG ऐसे जाता हूं, तो अब क्या लिखूंगा इक्वेशन। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन में बस एक स्लाइट चेंज आएगा, जहां पर I1 है वहां पर I2 आ जाएगा, जहां पर R1 है R2 आ जाएगा और जहां E1 है वहां E2 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, माइनस I2 R2 प्लस E2 माइनस I इंटू R, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहां पर भी मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, बराबर जीरो हो गया।
है ना। तो चलिए अब मेरे पास बेसिकली जो है दो इक्वेशंस आ गई है ना, ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं, और मुझे ये भी पता है कि आई बराबर कितना हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, आई बराबर कितना हो जाएगा जंक्शन लॉ से, इधर से I1 आया इधर से I2 आया, तो टोटल I1 I होना है, तो इसका मतलब I बराबर I1 प्लस I2 होना है। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन आ गई तीन है ना, तो अब मुझे लिखना है करंट को और इन द फॉर्म ऑफ E1 R1 E2 R2 एंड कैपिटल R। क्लियर है ये बात? तो चलिए ट्राई करते हैं, हमारा मोटिव क्या है, आई लिखना है इन टर्म्स ऑफ E1 R1 E2 R2 एंड कैपिटल R, मतलब कि अपने को I1 और I2 को एलिमिनेट करना है। चलिए तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि मुझे करना सॉल्व किस तरीके से है। I बराबर I1 प्लस I2 है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन से है ना, इस वाली इक्वेशन से I1 की वैल्यू यहां भर दूं और दूसरी वाली इक्वेशन से I2 की वैल्यू यहां पर भर दूं, तो I1 और I2 तो गायब हो जाएंगे। तो देखिए मैं I1 को क्या लिख दूंगा, I1 को मैं लिख दूंगा E1 -I × R अपॉन स्मॉल R1, और इसी तरीके से I2 को कितना लिख दूंगा, E2 -I × R2 अपॉन R2, है ना। तो चलिए इसको फिट कर देते हैं I बराबर I1 प्लस I2 में, तो I बराबर हो जाएगा E1 -I × R अपॉन R1 प्लस E2 -I × R2 अपॉन R2। अब मेरा मोटिव ये है कि I के टर्म को एक तरफ कर दें, तो चलिए ये भी काम कर लेते हैं, क्या कर दें, यहां पर I बराबर हो जाएगा E1 by R1 - I multiplied by R by R1 प्लस E2 by R2 - I multiplied by R upon R2, है ना। तो यहां से देखिए अब क्या आ जाएगा, I + I × R upon R1 प्लस I × R upon R2 बराबर कितना आ गया, E1 by R1 प्लस E2 by R2, है ना। तो अब टाइम आ गया है I को कॉमन ले लेने का, तो I को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + R upon R1 प्लस R upon R2, यहां पर ब्रैकेट बंद, ये हो गया E1 by R1 प्लस E2 by R2, सही है ना। तो यहां से मेरे पास अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं यहां पर, तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा R1 R2, इधर आ गया R1 R2 प्लस इधर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा R R2 प्लस R R1, ब्रैकेट बंद, इधर I, ये आ गया E1 upon R1 प्लस E2 upon R2, है ना। तो अब यहां पर देखिए फर्दर क्या किया जा सकता है, अगर मैं यहां पर इधर भी एलसीएम ले लूं तो यहां पर भी R1 R2 आ जाएगा, तो क्यों ना मैं एलसीएम ले लूं R1 R2, ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1। तो देखिए यहां से क्या हो गया कि R1 R2 R1 R2 कैंसिल आउट हो गया, तो I बराबर क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1, और इसको कितने से डिवाइड कर दें, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं R1 R2 प्लस R R2 प्लस R R1 से। चलिए ये तो बहुत बढ़िया टर्म आ गया, लेकिन आपको याद होगा मुझे कन्वर्ट इसे किस फॉर्म में करना था, I बराबर E0 अपॉन R प्लस R0 जैसे टर्म में, है ना। तो उस तरीके का बनाने के लिए मुझे नीचे जो है R को आजाद करना पड़ेगा, तो चलिए कुछ तिकड़म भिड़ाते हैं ताकि ये आ पाए। तो I बराबर मैं लिख देता हूं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय कितने से, अब यहां देखिए मुझे R कॉमन लेना चाहिए ना, क्योंकि R मुझे अलग करना है, तो R अगर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, और इधर आ जाएगा R1 R2। तो अगर मुझे इस तरीके का एक आइसोलेटेड टर्म चाहिए R, तो मुझे क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को R1 प्लस R2 से डिवाइड भी करना होगा, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी इस तरीके से करना होगा ना। तो ये चलिए मैंने कर दिया इस तरीके से, तो अब मेरे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन आई का, आई बराबर आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना। ये तो एक टर्म आया न्यूमरेटर, और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा R+R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, है ना। तो यहां पर मैं इस तरीके से आई को बिल्कुल बीचो बीच लिख देता हूं, है ना, यहां पर ये हो गया हमारा आई। तो अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, है ना,
क्या समझ में आ गया आपको कि यहां पर कौन किसकी भूमिका अदा कर रहा है? ये जो ऊपर वाला टर्म है ये ई नॉट हो गया, और साथ ही साथ ये जो नीचे वाला टर्म है ये बन गया आर नॉट, है ना। तो हमने क्या सीखा, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, और आर नॉट क्या हो जाएगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर नॉट को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि बेसिकली वन अपॉन आर नॉट आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, है ना। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तब तो ये वाला काम कर देंगे, और अगर अपने को इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है तो क्या करना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है तो अपने को ई1 R2 प्लस ई2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 करना है। जिसको और अच्छे से अगर आप देखना चाहें तो हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ई1 अपॉन R1 प्लस ई2 अपॉन R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। तो ये इसका एक और फॉर्म आ गया, है ना, एक और तरीके से आप जो है इसी चीज को लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या सीखा यहां पर, हमने यहां पर ये सीखा कि अगर पैरेलल में हो, है ना, अगर पैरेलल में हो तो हमें क्या करना चाहिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए ई1 बाय R1 प्लस ई2 बाय R2 एंड सो ऑन न्यूमरेटर में लिखना चाहिए, और डिवाइड करना चाहिए किससे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन। और आर नॉट के लिए क्या करना होगा, 1 अपॉन आर नॉट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्लियर है, जैसा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग सिंपली रेजिस्टेंस के साथ किया करते थे। क्लियर है, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो फॉर्म है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सवाल देखे हैं बोर्ड में आते हुए, मेडिकल में आते हुए, IIT में आते हुए, जिसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें क्लियर हो। ऑलराइट, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने दो बैटरीज लिए और इस बार मैंने दोनों के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को बिल्कुल सेम रखा है। अब आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा वो कितना होगा। तो हम लोग ई नॉट कैसे निकालें, ई नॉट हम लोग कैसे निकालते भाई, हम लोग करते हैं ई1 बाय R1 प्लस ई2 बाय R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो वही काम यहां पर कर देते हैं, ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर अपॉन 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आप देखिए कि ई के बराबर ही आ रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 1 अपॉन आर नॉट कितना हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, जो कि कितना आ जाएगा भाई, यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन आर नॉट प्लस 1 अपॉन आर नॉट, ये आ जाएगा 2 अपॉन आर। इसका मतलब कि आर नॉट कितना आ गया, आर नॉट आ गया आर बाय 2। तो हम लोग चाहें तो ये रिजल्ट जो है ध्यान में रख सकते हैं, बहुत फायदा होता है ना जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें कि दो बैटरीज दी हुई हो और दोनों का ईएमएफ सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट बैटरी आएगी उसका जो नेट ईएमएफ होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस है इंटरनल वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, जैसा पैरेलल में होता भी था। ऑलराइट, चलिए तो जितनी पढ़ाई अब तक हम लोगों ने करी है उसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज एन बैटरीज कनेक्टेड टू फॉर्म अ सर्किट, द रेजिस्टेंसेस डिनोट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज व्हिच आर रिलेटेड टू द ईएमएफ्स एज Ri बराबर K into Ei, where K is a constant. The solid dots represent the terminals of the batteries. Find the current through the circuit and the potential difference between the terminals of the ith battery. तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने ये तो समझ लिया, क्या समझा हम लोगों ने, Ri बराबर दिया हुआ है K into Ei, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए R1 बराबर कितना हो जाएगा, K into E1, है ना, और R2 बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू E2, इस तरीके से जो है रेजिस्टेंसेस हैं, है ना। अब जरा यहां पर देखिए कि nth, हाँ मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ्स है या टोटल नंबर ऑफ बैटरीज हम कितनी है, n है। तो हमारे को सबसे पहले क्या बोला गया है, करंट बताने है ना। आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे बैटरीज जो है सेम तरीके से लगे हुए हैं, है ना, और मान लेते हैं कि करंट जो है फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई नॉट बराबर ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 टिल डॉट 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 टिल ईएन। और इसी तरीके से हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है
कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर नॉट हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 कब तक, आर एन तक। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर नॉट, तो ये कितना हो जाएगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री टिल ई एन डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड कर दे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 टिल आर एन। आप देखिए यहां पर काम आएगा रिलेशन ऊपर वाला है ना, जो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा था वो यहां पर काम आएगा, आर आई बराबर के इंटू ई आई। तो यहां पर अपने को समझ में आ रहा है कि हम लोग ई आई सॉरी आर आई को क्या लिख सकते हैं, के इंटू ई आई। तो इस तरीके से देखिए यहां पर आई बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म तो एज इट इज मैं लिख देता हूं है ना, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन टिल ई एन। लेकिन इसको डिवाइड किससे करें, इसको डिवाइड करना होगा आर वन को क्या लिख सकते हैं, के इंटू ई वन प्लस आर टू को कितना लिख सकते हैं, के इंटू ई टू। इस तरीके से कब तक चलेगा, के इंटू ई एन तक। तो अब अगर मैं कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर में तो देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ई वन प्लस ई टू टिल ई एन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाय ई वन प्लस ई टू टिल ई एन। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया गया सिर्फ वन अपॉन के। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि आई की वैल्यू कितनी आ रही है, वन अपॉन के बराबर आ रही है। तो पहले पार्ट का देखिए बड़े आराम से हमारा जवाब निकल गया है ना। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में देखिए क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द आईएथ बैटरी। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आईएथ बैटरी आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके से गया और यहाँ पर आ गया आईएथ बैटरी है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ ई आई और इसका रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ आर आई। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और इसकी वैल्यू कितनी है, आई बराबर है वन अपॉन के। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे इस बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए मैं एक सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बैटरी दिखा दिया और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस दिखा दिया, और अपने को ये दिया हुआ था कि करंट जो है वो कितना है, आई बराबर वन बाय के है, और EMF जो है उसकी वैल्यू है EI, और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है K इंटू EI। तो यहां पर हम लोग यहां पर इस पॉइंट को नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम B दे देते हैं, और इस पॉइंट को नाम C दे देते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं है ना, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं A से, तो VA अब क्या लिखूं, करंट की डायरेक्शन बढ़ रहा हूं तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है। तो यहां मुझे लिखना चाहिए माइनस ऑफ आई इंटू आर। अब आई कितना है, आई जो है वो है वन बाय के, और रेजिस्टेंस कितना है वो है के टाइम्स ई आई। अब फिर देखिए अब यहां पर मैं बी पॉइंट पर पहुंच गया, अब यहां से मैं सी तक जाना चाह रहा हूं, तो मैं देख रहा हूँ कि पोटेंशियल का राइज आ रहा है, कितने का राइज आ रहा है, प्लस ई आई का। तो दिस इज इक्वल टू वी सी, वी ए में इतना घटा इतना जुड़ा, और ये अब नेट कितना बन गया, वी सी के बराबर हो गया। तो अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था वी ए माइनस वी सी, जो कि कितना आ जा रहा है, जो कि आ जा रहा है ई आई माइनस ई आई बराबर जीरो। इसका मतलब अपने पास आ गया वी ए माइनस वी सी बराबर जीरो, और यही अपने को निकालना था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी है ना, वो आ जा रहा है वी ए माइनस वी सी बराबर जीरो। इसका मतलब हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा जीरो वोल्ट है ना। तो यही आंसर हो गया। चलिए तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और सवाल देखते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग सवाल एक तरीके से दिए हुए यहाँ पर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सवाल आखिर इक्विवेलेंट ही हैं। आप देखिए कि बी से क्या कनेक्टेड था, एक बैटरी ई वन और एक रेजिस्टेंस आर वन है ना, एक बैटरी जिसका ई एम एफ ई वन है। तो देखिए यहाँ पर भी तो वही हुआ है, दोनों डायग्राम में बी से ए जा रहे हैं तो एक ई वन आर वन है। फिर एक और रास्ते में देखें तो बी से ए के बीच में एक आर थ्री है, और एक और रास्ते में अगर आप बी से ए जाए तो ई आर, तो यहां पर क्या आ रहा है, एक तो E2 आ ही रहा है और एक R2 भी आ रहा है। तो बेसिकली ये दोनों डायग्राम्स इक्विवेलेंट है
अपने को किसी भी एक सर्किट के लिए आप सॉल्व कर लीजिए तो जवाब सेम आएगा, है ना, दोनों ही केसेस में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में बनाता हूँ। जैसे यहां से मैंने बी बना दिया, अब मैं यहां पर दिखा देता हूं ई वन, और इसको मान लेते हैं कि उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा है और उसकी वैल्यू है आर वन। आखिर रेजिस्टेंस है, उसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मानिए या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस मानिए, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में। अब बीच में एक और रास्ता दिखा देते हैं, एक और जो रास्ता है उसमें कोई बैटरी नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि एक बैटरी है लेकिन उसका ईएमएफ जीरो है और रेजिस्टेंस कितनी है R3। और जो एक और रास्ता है उसमें मैं ऐसा ही एक ईएमएफ दिखा देता हूं सच दैट कि उसकी वैल्यू कितनी है E2 है, और एक रेजिस्टेंस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा दिखा देते हैं कि वो कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो बेसिकली अब आप सोचिए यहां पर कि मेरे को ए और बी दो पॉइंट मिल गए, है ना, ए और बी दो पॉइंट मिल गए यहां पर। इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि तीन बैटरीज जो है वो किसमें लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई है। तो मैं बी और ए के बीच में एक अकेली बैटरी बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। यहां पर मैंने पॉइंट बी दिखा दिया। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जिस तरीके से आपने बी के साथ छोटा वाला टर्मिनल दिखाया, मतलब लो पोटेंशियल दिखाया, तो आपको हमेशा वही दिखाना है ना। तो बी से मैंने क्या दिखा दिया, एक लो पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल, यहां पर मैंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो दिखा दिया, और यहां पर मैंने पॉइंट ए दिखा दिया। इसे मैं कह देता हूँ ई नॉट, इसे मैं कह देता हूँ आर नॉट। अब भाई आप मुझे बताइए कि ई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू प्लस ई थ्री की वैल्यू तो जीरो है, जीरो अपॉन आर थ्री डिवाइडेड बाय वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, है ना। तो यहां से ई नॉट कितना आ गया, ई नॉट आ गया ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। और क्या आ गया मेरे पास, और मेरे पास साथ ही साथ वन अपॉन आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो बेसिकली मेरे को क्या क्या मिल गया, मेरे को यहां पर मिल गया ई नॉट और आर नॉट, है ना। अब देखिएगा सवाल में अभी भी जान बाकी है, आप देख सकते हैं यहां पर कि मेरे को क्या मिला, मेरे को एक इक्विवेलेंट बैटरी मिली है ना, ए और बी के बीच में। अब ये जो बैटरी है इसको कहीं एक्सटर्नली तो कनेक्ट किया नहीं गया है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी दिखाई दे रही है और पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम ये रहा। अब इस इक्विवेलेंट डायग्राम में आप देखिए कि ए और बी के बीच में, है ना, यहां पर मैं बी दिखा देता हूं, यहां पर मैं दिखा देता हूँ ए, है ना, इसी तरीके से था क्या, आइए चेक कर लेते हैं, हाँ इसी तरीके से था बिल्कुल। तो यहां पर मैं दिखा देता हूँ ई नॉट और आर नॉट को, और यहां पर ए है। तो अब आपको जैसा कि दिख पा रहा है यहां पर सिर्फ ये एक बैटरी है, अब ये बैटरी किसी भी एक्सटर्नल चीज से तो कनेक्टेड है नहीं, तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहां पर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा लेकिन करंट इनटू आर नॉट का कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि करंट जो है वो जीरो है। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट डायग्राम बना है उसमें आई बराबर जीरो है ना, बी से ए के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट करंट कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको याद होगा कि बैटरी चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, ईएमएफ के बराबर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस VB बराबर सिंपली E नॉट हो जाएगा। मैंने VA माइनस VB किया, VB माइनस VA क्यों नहीं किया, क्योंकि A जो है वो हाई पोटेंशियल पर है, क्योंकि ये जो बड़ा डंडा है ये A के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे को क्या मिल गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और इसको किससे डिवाइड कर दें, होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। अब आ जाते हैं सवाल में, देखते हैं सवाल में हमसे पूछा क्या गया था। बेसिकली सवाल में हमसे यही पूछा गया था VA माइनस VB, तो दोनों ही केसेस में जवाब हमारा सेम आएगा और वो जवाब ये रहा। क्लियर है ये बात। तो एक चीज आपको देखिए यहां पर समझनी होगी कि मैंने जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया वो ओपन सर्किट बन गया, है ना, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा था इस डायग्राम को देख करके कि ए और बी के बीच में तीन बैटरीज कनेक्टेड है, लेकिन ए और बी एक्सटर्नली किसी और चीज से कनेक्टेड होता
तब तो एक्सटर्नली कहीं से इस तरीके से करंट जाता, लेकिन यहां पर तो कोई एक्सटर्नल कनेक्शन था ही नहीं, है ना। तो बेसिकली इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या आ गया, सिर्फ एक बैटरी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर एक बार आपको VA माइनस VB आ गया तो हो सकता है कि आपको सवाल में ये भी पूछ दिया जाता कि बताओ R3 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जब आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही गया है तो आप A और B के अक्रॉस बता भी सकते थे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि R3 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है तो आप क्या बोलते, VAB मतलब VA माइनस VB अपॉन R3। और इसी तरीके से किसी भी विंग में आप करंट निकाल सकते थे यूजिंग किरचॉफ्स लॉस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल है फाइंड द करंट्स इन द डिफरेंट रेजिस्टर्स शोन। तो चलिए सबसे पहले तो सवाल जब देख रहा हूं मैं तो मेरे को ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन मेरे को ये जरूर समझ में आ रहा है कि यहां पर जो ये 8 ओम और 8 ओम है इनको जरूर मैं देख सकता हूं कि अगर मैं ये 0.1 कह दूं, ये 0.2 कह दूं तो दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर कि 8 और 8 को इक्विवेलेंट कितना बोल दूं, 4 ओम। तो चलिए मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं और सिंपली इसको कितना लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 4 ओम, क्योंकि 8 और 8 का रिजल्टेंट 4 हो जाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट वाले विंग को देखिए, यहां 2 और 2 है तो 2 और 2 दोनों सीरीज में, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली यहां पर इसको कनेक्ट करा करके सिंपली यहां पर लिख सकता हूं 2 और 2 4 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में। अब देखिए सर्किट इस पॉइंट के अबाउट काफी सिमेट्रिक लग रही है, इधर 2 वोल्ट 4 ओम, इधर भी 2 वोल्ट 4 ओम। अब बीच में ये जो पूरा का पूरा है, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए जो है हम लोग हटा के बाहर रख देते हैं, चलिए इसको काट देते हैं यहां से और इसको ले जाते हैं यहां पर अलग से, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर कि अगर मैं इस पॉइंट को 0 वोल्ट असाइन कर देता हूं तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट और इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट, है ना, क्योंकि बैटरी है और लो से हाई जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब यहां पर सोचिए आप कि इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट है ना। अब जरा देखिए यहां पर कि मान लेते हैं कि यहां पर जो बैटरी लगी थी 2 वोल्ट की, इसको यहां पर एक थोड़ी देर के लिए यहां पर इस तरीके से लगा देते हैं ना। तो यहां अभी भी मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो यहां का भी पोटेंशियल देखिए कितना हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट और इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट हो गया, है ना। तो अब जरा देखिए यहां पर एक मजेदार चीज होने वाली है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको गायब कर देता हूं। आप देखिए यहां पर कि इस ये पूरा का पूरा कैसा सर्किट बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक वायर है ओवरऑल और उसमें 2 रेजिस्टेंसेस हैं और 2 EMFs हैं, लेकिन ये जो बैटरीज हैं ये दोनों सीरीज में लगी हैं लेकिन पलट के लगी हैं, है ना, जिसके कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेट EMF कितना हो जाएगा, 2 - 2 = 0, है कि नहीं, क्योंकि दोनों साथ में एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रही है, ये दोनों अपोज कर रही है। जैसे अगर सिर्फ इसको देखें तो ये ऐसे करंट भेजना चाह रहा है, सिर्फ इसको देखें तो ये ऐसे करंट भेजना चाह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इधर से जितना करंट जा रहा है इधर से जितना करंट जा रहा है दोनों ही जाएंगे फिर टकराएंगे, नहीं। ओवरऑल क्या हो जाएगा ऐसे केस में कि हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट EMF जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ इस मॉडिफाइड सवाल में ऐसा दिख रहा है, सवाल तो अपना ये था ही नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें अभी मैंने जैसा अभी अभी आपको दिखाया था यहां पर 2 वोल्ट की जो बैटरी है सिर्फ वो और लगा देता हूं, यहां पर 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, रेजिस्टेंस मैंने अभी भी नहीं लगाया, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब इस सर्किट में करंट तो अभी भी नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, ऐसा तो नहीं कि 0 वोल्ट से ऊपर की तरफ करंट जाएगा फिर रुक जाएगा, अगर लौटने का रास्ता नहीं है तो फिर तो जाएगा ही नहीं, और एक ही रास्ता है तो उसी में जा करके आ तो सकता नहीं। तो इसका मतलब 2 वोल्ट वाली बैटरी ये जो ऊपर मैंने दिखाई इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है ना, इस सर्किट के हिसाब से। अब जरा देखिए यहां पर कि अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यहां का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो यहां का भी पोटेंशियल 2 वोल्ट होना पड़ेगा क्योंकि बैटरी के अक्रॉस इस बार कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। अब मैं इस 4 ओम की बैटरी, 4 ओम के रेजिस्टेंस को अगर मैं यहां पर लगा भी दूं तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो उसके अक्रॉस करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता है।
मतलब कि यहां पर मैं रेजिस्टेंस लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, बात एक ही है। तो अगर ये मुझे समझ में आ गया कि अगर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां लगने पर भी उसके अक्रॉस या कहीं पर भी कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो मैं क्यों ना लगा ही दूं यहां पर 4 ओम, है ना, 4 ओम में लगा देता हूं और मैं बड़े आराम से अब कह पा रहा हूं कि पूरे सर्किट में कहीं पर भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो देखिए डायग्राम जैसा शुरुआत में दिया था सवाल में, वैसा ही मैंने बना दिया और मुझे ये मिल रहा है कि कहीं पर भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। मेरा जवाब क्या हो जाएगा, जीरो एवरीवेयर, है ना, कहीं पर भी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ईच रेजिस्टर शोन इन फिगर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड द बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ यहां पर इन पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है और कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, इसका मतलब कि आइडियल बैटरी है। अब देखिए यहां पर जो नीचे वाली सर्किट है और जो ऊपर वाली सर्किट है काफी सिमिलर दिखाई दे रही है ना। तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं कि जो बीच में जो ये डंडा है ना इसको हटा देता हूं, मैं वापस से सवाल वही बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए कि सवाल को ये सर क्यों बार बार छेड़ रहे हैं। तो मैंने यहां पर इस तरीके से यहां पर बाकी डायग्राम बना दिया ना, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है। अब आपको सिमेट्री से दिख रहा होगा कि जिस तरीके से नीचे वाली जो लाइन है जिसमें 10 और 10 है उसमें जितना करंट जाएगा ऊपर भी उतना ही करंट जाएगा, है ना। अगर मैं यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट बोल रहा हूं तो यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाना है, तो यहां का भी पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाना है और यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाना है। अब देखिए कि ऊपर वाले विंग में भी जितना करंट फ्लो कर रहा है नीचे वाले विंग में भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहां का पोटेंशियल वी नॉट है तो यहां का भी पोटेंशियल सिमेट्री से वी नॉट ही होगा। अब ले आते हैं वापस से जो रेजिस्टेंस मैंने हटाया ना उसको ले आते हैं, यहां पर मैंने लगा दिया, लेकिन आप देखिए कि इस रेजिस्टेंस को मैंने कैसे पॉइंट्स के अक्रॉस लगाया, ऐसे पॉइंट्स के अक्रॉस जिनका पोटेंशियल सेम है। तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस मैं लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं बात देखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो बेकार है, जिसमें कोई करंट नहीं आ रहा, वो बस शोपीस की तरह लगा हुआ है। तो इसका मतलब सवाल जो हमारा ओरिजिनली दिया हुआ था, है ना, ये जो ओरिजिनली सवाल था दिस इज इक्वलेंट टू दिस सवाल। अब ये सवाल सॉल्व करना तो बहुत आसान है क्योंकि 10 और 10 सीरीज में है, 10 और 10 सीरीज में है और ओवरऑल ये दोनों पैरेलल में है, तो 10 10 का रिजल्टेंट 20, 20 और 20 का रिजल्टेंट 10 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 10 का और बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट अपॉन 10 ओम, तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.6 एम्पियर इज द टोटल करंट जो यहां पर बैटरी सप्लाई कर रही है ना। इस तरीके से 0.6 एम्पियर जो है बैटरी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को, क्लियर है। तो मैं इस सवाल के बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूं, जैसे कि यहां पर 10 ओम था, यहां भी 10 था, यहां भी 10 था और यहां भी 10 था। तो ऐसा डायग्राम जो होता है ना जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, व्हीट स्टोन उनका नाम था, तो व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है ये। और इसमें जो है अगर ऑपोजिट्स का प्रोडक्ट सेम आता है, जैसे कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू दिस 10 इंटू दिस 10, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो बस शोपीस बन के रह जाता है। तो ऐसे केस में आप समझिए, अगर मैं इसको R1 कह रहा हूं, इसको R2 कह रहा हूं, इसको R3 और इसको R4, तो अगर R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4 हो जाता है ना, तो ऐसा केस कहलाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। तो इस केस में बीच वाला रेजिस्टेंस जो है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। और अगेन कोई जादू वाली बात नहीं है, ऐसे केस में क्या होता है कि ई और बी इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है ना, ई और बी का, वो सेम हो जाता है, जिसके कारण बीच वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो करने की गुंजाइश नहीं बचती है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, इन द सर्किट शोन ई एफ जी एंड एच आर सेल्स ऑफ ईएमएफ 2, 1, 3 एंड 1 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रेजिस्टेंसेस 2, 1, 3 एंड 1 ओम आर देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब अपने को बी और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और साथ ही क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ
ईच ऑफ द सेल्स जी एंड एच, है ना। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जी और एच के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये जो है पूरा का पूरा एक बैटरी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब हो गया बी और सी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरीके से बैटरी जी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का क्या मतलब हो गया कि पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलिए तो इस पे तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे। पहले पार्ट में चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो इस बार मुझे फिर से क्या दिख रहा है कि बी और डी के बीच में एक ये वाला विंग है, एक बीच वाला विंग है और एक और ये वाला विंग है, और इसमें मैं क्या देख सकता हूं कि यहां पर तीनों ही विंग में मैं ऐसा निकाल सकता हूं कि एक बैटरी है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। आइए दिखाता हूं कैसे। जैसे कि ये पॉइंट बी था, है ना, पॉइंट बी था। अब मैं यहां पर दिखा देता हूं कि एक बैटरी है और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से यहां पर भी मैं दिखा सकता हूं एक बैटरी है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसी तरीके से इस वाले विंग में भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, एक बैटरी है और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। तो आइए अब इस पे चर्चा करते हैं कि ये ईएमएफ और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। सबसे पहले बी से डी के लिए जो ये वाला विंग है, आउटर लेफ्ट वाला विंग है, इसको देखिए कितने रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, दो, एक 2 ओम का एक 1 ओम का, और ये दोनों सीरीज में, तो 2+1 हो गया 3 ओम। चलिए रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये बैटरी और ये बैटरी देखिए सही तरीके से लगी भी नहीं है। सही तरीके से लगी भी मतलब का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि बी से कनेक्टेड है लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल, फिर आया हाई पोटेंशियल, उसके बाद हाई पोटेंशियल और फिर लो पोटेंशियल आया। इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आप मेरे को बताइए कि इस 2 वोल्ट और इस 1 वोल्ट की लड़ाई में कौन जीतेगा। ऑब्वियस है कि 2 वोल्ट जीतेगा, है ना। तो इसका मतलब बी से जो लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल वाला बैटरी है वो जीत रहा है, तो इसलिए यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 वोल्ट लिख दूंगा, है ना। अब आ जाते हैं बीच वाले टर्मिनल में, मतलब बीच वाले विंग में। बीच वाले विंग में जो बैटरी है, कोई है ही नहीं बैटरी, है ना, तो इसका ईएमएफ हम लोग 0 लिख देते हैं और रेजिस्टेंस लिख देते हैं 2 ओम। और जो आखिरी वाला विंग है उसमें देखिए 3 वोल्ट भी है और 1 वोल्ट भी है। अगेन ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि देखिए बी से जो कनेक्टेड है वो तो छोटा वाला डंडा है, लेकिन उसके आगे जब हम गए तो यहाँ पर बड़ा डंडा आ गया। मतलब कि ये करंट एच वाला जो बैटरी है ना, ये करंट ऐसे भेजना चाह रहा है और जो जी बैटरी है वो करंट ऐसे भेजना चाह रही है, तो दोनों में होगी लड़ाई, है ना। तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली 3 वोल्ट वाला जीतेगा। तो 3 और 1 की लड़ाई में अगर 3 जीत रहा है तो रिजल्टेंट हो गया 2 वोल्ट, है ना। लेकिन मैंने क्या एज्यूम किया था कि बी से जो कनेक्टेड है वो लो पोटेंशियल कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा क्या, 3 और 1 की लड़ाई में जो जीता है वो 2 वोल्ट है, लेकिन चूंकि बी से नेट आना क्या चाहिए था यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, बड़ा वाला जो डंडा है, लेकिन मैंने दिखाया उल्टा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे कर देंगे, -2 वोल्ट, समझ पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैं काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस कॉम्बिनेशन के लिए नेट ईएमएफ निकालना आता है, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि अगर उल्टा हो जाता तो फिर कैसे करते, है ना। तो मैं सबको एक तरीके का बना रहा हूँ, एक सलीके का बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा। 3 और 1 तो सीरीज में है, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए सवाल कितना आसान होने वाला है। ये था ऊपर 1 वोल्ट, इधर आ गया 0 वोल्ट और इधर आ गया -2 वोल्ट। सबसे मजेदार चीज यहां पर हुई है ना, तो यही वाला केस आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना, कभी नहीं भूलना है कि कैसे मैंने यहां पर -2 वोल्ट असाइन करा। अब देखिए E0 में कितना लिख दूंगा, E1/R1 मतलब 1/3 प्लस E2/R2 मतलब 0 प्लस E3/R3 मतलब -2/4 होल डिवाइडेड बाय कितना, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 1/3 माइनस 1/2, ये कितना हो जाता है 1/3 माइनस 1/2, ये हो जाता है 1/6 हो जाता है क्या, हाँ 1/6 हो जाता है। और ऊपर इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 12, है ना। तो ये हो गया 4 + 6 + 3, है ना, तो 6 2 12 हो गया। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, E0 की वैल्यू आ गई 2/10 + 3 13, है ना। तो E0 आ गया मेरे पास 2/13 वोल्ट, है ना। अच्छा 1/3 माइनस 1/2 कितना होता है, -1/6 होता है ना,
माइनस, तो यहाँ माइनस 1/6 आएगा, तो इसलिए ई नॉट कितना आ गया, -T2/3 वोल्ट। अब देखिए ये जो जवाब है ना, ये भी आपको बड़ी मजेदार चीज यहाँ पर सिखाने वाला है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये जवाब। मैंने ऐसा माना था कि बी से जो बैटरी का टर्मिनल कनेक्टेड है वो कौन सा है, लो पोटेंशियल वाला पहले कनेक्टेड है, लेकिन आंसर में क्या आया, -2/13। इसका मतलब कि जो मैंने माना था उसका उल्टा आया। बी से एक्चुअली मैंने दिखाया था कि लो पोटेंशियल कनेक्टेड है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर हाई पोटेंशियल कनेक्टेड होगा इस तरीके से, और यहाँ पर उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ईएमएफ कितना लिख देंगे, ये लिख देंगे 2/13 वोल्ट, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना लिख दें, वो हो जाएगा 1/R0 बराबर 1/3 + 1/2 + 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, हमने देखा था कि ये हो जा रहा है 13/12, वैसा आ रहा है कि? हाँ ये आ जा रहा है 13/12। तो आर नॉट कितना आ जा रहा है, 12/13 ओम। समझ पा रहे हैं बात। तो जो ऊपर की पूरी सर्किट है ना, बी से डी के लिए जो तीन तीन यहाँ पर रस्ते हैं उनको रिप्लेस करके सिर्फ एक रास्ता क्रिएट किया जाता है, बी से लेकर के कहां तक का, बी से लेकर के देखिए डी तक का। तो बी से डी तक में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ एक बैटरी से पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दिया। तो अगेन ये तो सिर्फ एक बैटरी है, किसी एक्सटर्नल चीज से तो ये कनेक्टेड है ही नहीं, ऐसा तो कोई कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब कि बी और डी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है वो कितना आना है, इक्वल टू द ईएमएफ। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर VB - VD बराबर कितना हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर, जो कि है 2/13 वोल्ट। तो देखिए कितना आसान हो जाता है सवाल इस तरीके से सॉल्व करना। अब देखते हैं कि सवाल में क्या क्या चीजें पूछी गई थी। डी एंड डी के बीच में देखिए, सबसे पहले तो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था, जो कि हमने बड़े आराम से निकाल लिया कि VB - VD हो जाएगा 2/13 वोल्ट, देख लीजिए, है ना। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल्स जी एंड एच, मतलब जी और एच के बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, मतलब उन जी और एच के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा गया है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि जी और एच बैटरीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने ये निकाल लिया ना कि VB - VD बराबर इतना आ रहा है, तो VB को मैं असाइन कर देता हूं 2/13 वोल्ट, और D को मुझे फिर कितना करना पड़ेगा, D को करना पड़ेगा मुझे 0 वोल्ट असाइन, है ना। अब बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है VB - VC, है ना, या फिर एक काम करते हैं VC - VB निकाल लेते हैं ना, VC - VB, और क्या निकालना है, VC - VD। हाँ तो हमारा जो एक आंसर आएगा वो आ जाएगा VC - VB, और दूसरा आंसर आ जाएगा VC - VD। तो अब कैसे निकाले यहां पर, तो आप देखिए यहां पर कि बी से अगर मैं डी की तरफ जा रहा हूं, है ना, बी से अगर मैं डी की तरफ जा रहा हूं, तो आप देखिए कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं, दो बैटरीज हैं, है ना, मतलब कि दो ईएमएफ और दो रेजिस्टेंस, तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 1 है, और दोनों ऑपोजिटली कनेक्टेड है, मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर तो लड़ाई होगी, और 3 और 1 में कौन जीतेगा, 3 और 1 में ऑब्वियस है कि 3 जीतेगा। तो यहां पर मैं डी दिखा देता हूं, यहां पर मैं दिखा देता हूं 3 जीता, तो कि उसी के हिसाब से यहां पर बैटरी दिखा देते हैं 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस नेट कितना दिखा दें, 3 और 1 का नेट हो जाएगा 4, है ना, तो 4 दिखा देते हैं, और यहां पर दिखा देते हैं पॉइंट बी। तो अब मुझे ये पता है कि डी का पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट एज्यूम किया, और बी का पोटेंशियल हो गया 2/13 वोल्ट। तो इस पूरे के पूरे ये जो आपको सर्किट का एक एलिमेंट दिख रहा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2/13 वोल्ट का है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग करंट कैसे निकाल, मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 0, यहां से मैं चलना चालू कर रहा हूँ 0, फिर क्या आया, लो से हाई आए तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो +2 वोल्ट, फिर क्या हुआ, करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो, मैं लिख दूंगा -4 I, है ना, हाई से लो जा रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 2/13 वोल्ट, है ना। 0 से बढ़े, कुछ बढ़ा पोटेंशियल, कुछ घटा, और नेट 2/13 आ गया। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 I इज इक्वल टू 2 - 2/13 वोल्ट।
तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, करंट बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 बाय 13 फोर्स ऑफ 52 है ना, तो 13 इंटू 4 लिख देते हैं, तो ये हो गया 4 6 24, मतलब 6 बाय 13 एम्पियर जो है वो तो करंट आ गया। अब चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल सर्किट में। मेरे पास क्या आया कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है 6 बाय 13 एम्पियर। कैसे पता चला इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो मैंने एज्यूम किया था देखिए कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और करंट की वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई, तो इसका मतलब मेरा अजम्पशन सही था है ना। तो यहां पर मैंने दिखा दिया इस वापस से इस डायग्राम में कि करंट है 6 बाय 13 का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालना था ना, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंसेस यहां निकाल लेते हैं। देखिए मैं कोई भी हाई लेवल बात यूज नहीं करूंगा यहां पर, मैं डी पॉइंट से चालू करता हूं और सी तक जाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा वी डी, फिर क्या लिखूं छोटे से बड़ा है ना, तो इसका मतलब राइज कर रहा है तो +3 वोल्ट, फिर हाई से लो क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पता है कि हाई टू लो जाता है, तो क्या लिख दें यहाँ पर -6 बाय 13 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू वी सी। सही यहां तक, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 39 बाय 13 माइनस 18 बाय 13, तो VC माइनस VD है ना, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, और इस बैटरी का नाम क्या था, इस बैटरी का नाम था G। तो VG बराबर आ गया VC माइनस VD, जो कि कितना हो जाएगा 39 माइनस 18 कितना हो जाता है 1, और ये 3 1 2, तो 21 बाय 13 वोल्ट है ना, इतना आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी जिसका नाम है G। और अब आ जाते हैं एच के पास है ना, तो चलिए इसके लिए भी काम करते हैं इसी तरीके से। यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि करंट सी से डी फ्लो कर रहा है 6 बाय 13 एम्पियर, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपली मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं यहां पर वी सी सी से ऊपर जा रहा हूं है ना, तो वी सी के बाद क्या लिखूं -6 बाय 13 इंटू 1, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट 6 बाय 13 है, हाई टू लो पोटेंशियल का ड्रॉप, फिर पॉजिटिव डंडे से नेगेटिव डंडे की तरफ, इसका मतलब कि पोटेंशियल कम हो रहा है, तो यहां पर -1 इज इक्वल टू कितना लिख दें VB, तो यहां से मेरे पास VC माइनस VB कितना आ गया, तो ये आ गया 6 बाय 13 प्लस 13 बाय 13, मतलब कि 19 बाय 13 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जिसका नाम है H, वो आ गया VC माइनस VB इक्वल टू 19 बाय 13 वोल्ट है ना। तो इस तरीके से हमारा सवाल खत्म हो गया। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है फाइंड द करंट्स गोइंग थ्रू द 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 इन द सर्किट शो। तो इस सवाल में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से हम लोग किरचॉफ के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर जैसे कि आप करंट पहले तो एज्यूम कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहां से करंट आपने एज्यूम किया I1, यहां से करंट आपने जाता हुआ एज्यूम किया लेट अस से I2 है ना। तो अब आप सोचिए कि अगर करंट I1 ऐसे जा रहा है तो यहां पर भी करंट I1 आएगा, अगर करंट I2 जा रहा है तो यहां पर करंट I2 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से जंक्शन लॉ लगा दें तो यहां पर करंट कितना आएगा I1 प्लस I2 है ना, मतलब कि यहां पर जो करंट आ रहा है वो कितना है I1 प्लस I2 है। क्लियर है बात। तो अब जरा सोचते हैं यहां पर कि हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करें। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक अलग तरीका। जैसे कि एक तरीका आपको क्लिक कर गया होगा कि ए और बी के क्रॉस आप इक्विवेलेंट बैटरी निकाल सकते हैं है ना, तो ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट बैटरी निकाल करके उसका जो नेट ईएमएफ आता वही आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते और बड़े आराम से सवाल सोल्व कर लेते। लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ एक और तरीका, ऑल्दो वो लंबा जाएगा लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को तरीका सीखना है ना। तो जैसे कि मैं लेफ्ट वाले लूप में है ना, मैं लेफ्ट वाले लूप में घूम करके, मान लीजिए मैं ऐसे घूम करके ऐसे आ रहा हूं है ना, ए से बढ़ा आगे ऐसे घूमा और वापस ए पर आ गया, तो ऐसा करके मैं एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। इसी तरीके से मैं राइट वाले लूप में भी ए से बढ़ा और ऐसे घूम करके इस सेंस में घूम करके वापस से ए पर आके एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ए से चला तो मैं लिख देता हूं वी ए, फिर क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि पोटेंशियल बढ़ा तो प्लस E1, फिर क्या हुआ करंट की फ्लो की डायरेक्शन में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है,
मतलब माइनस आई वन इंटू आर वन। फिर क्या हुआ, फिर मैं बी पर आया, बी से ए जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, फिर से पोटेंशियल का लॉस आएगा, कितने का, माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू क्या कर दे यहां पर, इंटू यहां का जो रेजिस्टेंस है, और यहां का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक्चुअली R3 है, तो इसको R3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेट वापस से वही आ गया, तो वहां का पोटेंशियल हो गया VA। क्लियर है बात? मतलब कि इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता था कि सिंपली मैं जो पोटेंशियल के डिफरेंसेस हैं उनको लिख दूं और उनका सम 0 के बराबर कर दूं। आई होप क्लियर है ये वाली बात, है ना? तो इसी तरीके से मैं और क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, अगर मैं इधर राइट से घूम के आऊं तो क्या लिखूंगा, आइए डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के हिसाब से बातें करते हैं। ए से मैं आगे बढ़ा, पोटेंशियल का राइज आया, कितने का राइज आया, ई टू का। फिर मैं आगे गया, पोटेंशियल का ड्रॉप आया, कितने का ड्रॉप आया, माइनस आई टू इंटू कितना लिख दे, आर टू का। फिर क्या हुआ, फिर से ड्रॉप आया, कितने का ड्रॉप आया, माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री का, पर इसको मिला करके तो 0 होना पड़ेगा, है ना? तो मेरे पास देखिए यहां पर दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। क्लियर है ये बात? अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं भाई, बहुत आसान है। अब मैं आई वन की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन से उठा करके नीचे वाली इक्वेशन में भर दूंगा, तो मुझे आई टू मिल जाएगा, है ना? तो चलिए ऊपर वाली इक्वेशन से आई वन निकालने की कोशिश करते हैं। ई वन माइनस आई टू इंटू आर थ्री बराबर कितना हो जाएगा, आई वन टाइम्स आर वन प्लस आर थ्री, है ना? तो यहां से मेरे पास देखिए आई वन कितना आ गया, आई वन आ गया ई वन माइनस आई टू आर थ्री होल डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर थ्री। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू आई वन की, है ना? आई वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई टू आ गई। अब मैं अगर उठा करके इसे यहां पर रख दूंगा तो कितना मजा आ जाएगा, मेरे को आई टू में एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे मुझे सीधा आई टू मिल जाएगा। तो चलिए भरने की कोशिश करते हैं यहां पर, ई टू माइनस आई टू इंटू आर टू माइनस आई वन कितना भर दे, ई वन माइनस आई टू आर थ्री होल डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर थ्री प्लस आई टू होल मल्टीप्लाइड बाय आर थ्री बराबर 0। तो चलिए अब यहां से देखते हैं कि आई टू कितना आ जाएगा अपने पास, ई टू माइनस आई टू आर टू माइनस क्या कर रहे हैं यहां पर, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं आर वन प्लस आर थ्री, तो ये तो हो जाएगा ई वन माइनस आई टू आर थ्री प्लस आई टू आर वन प्लस आई टू आर थ्री, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करना है आर थ्री से, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास क्या आता हुआ दिख रहा है भाई, यहां से आता हुआ दिख रहा है ई टू, है ना? एक तरफ तो ई टू आ गया, दिस इज इक्वल टू आई टू आर टू, उसमें क्या क्या ऐड कर देंगे, प्लस ई वन अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, है ना? इतना ऐड हो जाएगा, और क्या ऐड हो जाएगा, प्लस आई टू को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आर थ्री माइनस आर वन माइनस आर थ्री, है ना? और यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर वन प्लस आर थ्री और पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर आर थ्री। क्लियर है? तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ई टू माइनस आई टू आर टू बराबर कितना आ जाएगा, ई वन माइनस आई टू आर थ्री प्लस आई टू आर वन प्लस आई टू आर थ्री मल्टीप्लाइड बाय कितने से, आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री से, है ना? तो अब चलिए आई टू वाले टर्म्स को एक तरफ क्लब करने की कोशिश करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप देखिए कि इधर आ जाएगा ई टू और इधर कितना आ जाएगा, माइनस ई वन टाइम्स आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, है ना? ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आई टू आर टू, उसमें और क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, प्लस आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाय क्या क्या चीजें आ जाएंगी यहां पर, अब यहां पर आ जाएगा माइनस आई टू आर थ्री, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आई टू आर वन और आखिरी टर्म आ जाएगा प्लस आई टू आर थ्री, है ना? तो अब आपको तुरंत यहां पर क्लिक करा होगा कि आर वन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आर वन प्लस आर थ्री है ना, तो आर वन प्लस आर थ्री को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो डिनोमिनेटर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ई टू आर वन प्लस ई टू आर थ्री
-E1 R3 है ना, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R2 R3। फिर अंदर क्या क्या आ जाएगा, अंदर देखिए I2 R3 और -I2 R3 है, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, प्लस I2 इनटू R1 R3 है ना। तो अपने पास फिलहाल ऐसा कुछ आ गया। तो यहां से देखिए अब तो कुछ भी नहीं है, अब अपने को दिख गया कि I2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, I2 की वैल्यू आ जा रही है E2R1 प्लस E2R3 माइनस E1R3 होल डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करना है, यहां पर अपने को डिवाइड करना है R1R2 प्लस R2R3 प्लस R1R3 से। तो ये देखिए बेसिकली अपने पास आ गया I2 है ना, तो ये रहा I2। अब I1 निकालना बाकी रह गया है, तो I1 कैसे निकाले, I ऊपर देखते हैं कि इक्वेशन थी अपने पास, I1 बराबर था E1 माइनस I2 R3 अपॉन R1 प्लस R3। तो यहां लिख देते हैं I1 हो जाएगा, I1 की I2 अपने पास, हाँ I1 हो जाएगा E1 माइनस I2 R3 E1 माइनस I2 R3 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। क्रॉस चेक कर लेते हैं, E1 माइनस I2 R3 अपॉन R1 प्लस R3, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब अगर हम लोग डेटा भर दें तो अपना जवाब I1 आ जाना चाहिए ना, तो I1 कितना जाएगा, E1 माइनस कितना लिख दें यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं E2 R1 प्लस E2 R3 माइनस E1 R3 होल डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 माइनस कितने से घटा दे यहां पर भाई, E1 माइनस, सॉरी माइनस है यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन में था ना, ये तो हम लोगों ने I2 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है R3 से और पूरे को डिवाइड करना है कितने से, R1 प्लस R3 से। तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा है। अब यहां पर मैंने R1 प्लस R3 जो है वो कॉमन लेने की कोशिश करी न्यूमरेटर में, तो अब देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा R1 प्लस R3 तो कॉमन आ गया, और इधर क्या रह गया, E1 R2 प्लस E1 R3 माइनस E2 R3 होल डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करेंगे, R1 प्लस R3 से है ना, R1 प्लस R3, लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 से है ना। तो यहां पर मेरे पास फाइनली I1 कितना आ गया, I1 आ गया E1 R2 प्लस E1 R3 माइनस E2 R3 और होल डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड कर दें, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 से। तो ये हमारा आ गया, I1 भी आ गया है ना। तो अब आखिरी स्टेप क्या करना है, देखिए I2 तो हमें मिला ही हुआ था, I1 हमें मिल गया, और सवाल में हमसे क्या पूछा था, आइए देखते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमने की है यहाँ पर। हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि करंट थ्रू द थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, तो R1 से तो I1 जा रहा है, R2 से तो I2 जा रहा है, और R3 से कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, I1 और I2 को ऐड कर देते हैं, तो I बराबर हो जाएगा, I मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3, वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, और इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो अब मैं सिंपली लिख देता हूं यहां पर क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय वही अपना जाना पहचाना सा टर्म R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जवाब, हमने I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल लिया और I1 प्लस I2 भी निकाल लिया। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल है डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो मतलब यहां पर मैंने ऑलरेडी I1 I2 और I3 एज्यूम कर लिया, और यहां पर अगर I1 आ रहा है इधर से अगर I2 जा रहा है तो अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2, क्योंकि यहां आ रहा है I1 और यहां जा रहा है I2, तो नेट करंट का जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही आउटफ्लो होना चाहिए।
I1 माइनस I2 प्लस I2 I1 हो जाएगा, दैट इज आउटगोइंग करंट, और उतना ही इनकमिंग करंट भी हो गया I1, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस वाले जंक्शन पर, है ना, यहाँ पर I2 आ रहा है, यहाँ I3 आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जाना कितना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा I2 प्लस I3, है ना, कितना करंट यहाँ पर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने को अब ये भी दिख रहा है कि अगर यहां से आ रहा था I2 प्लस I3, है ना, यहां पर मैं दिखा देता हूँ I2 प्लस I3 को, है ना, और नीटनेस के लिए यहां से मैं हटा देता हूँ ये वाला जो I2 प्लस I3 है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिए यहां पर मैंने दिखा दिया I2 प्लस I3 और यहां से जा रहा है I1, तो ऑब्वियस है कि यहां पर कितना जा रहा होगा, जितना आ रहा था उसमें से I1 घटा देते हैं, मतलब कि I2 प्लस I3 माइनस I1, क्लियर है बात। तो अपने को हर ब्रांच में करंट मिल गया, क्योंकि इस ब्रांच में भी कितना करंट जा रहा है, I3 जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा एक ही तो वायर है। तो अब अपने को I1, I2 और I3 निकालना है, अगर ये निकाल लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो देखिए एक तरीका हम लोग ये यूज करते हैं कि यहाँ पर तीन अलग अलग आपको लूप्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें चलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बार यहाँ ऐसे चले, एक बार इसमें जैसे मर्जी वैसे चल सकते हैं, और एक बार इसमें इस तरीके से चलते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं लूप नंबर ए, इसको लूप नंबर बी और इसको लूप नंबर सी। तो पहले हम लोग कहानी लिखते हैं लूप नंबर ए के बारे में, है ना। तो यहां पर मैं चलना चालू करता हूं इस वाले पॉइंट से, ना, जो बिल्कुल यहां पर है। तो इससे जब हम लोग आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल का ड्रॉप आया तो माइनस I1 का, फिर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल का राइज आया तो प्लस 10 का, फिर 4 ओम वाले में गए तो पोटेंशियल का फिर से ड्रॉप आया तो माइनस 4I2 का, क्लियर है बात। और उसके बाद यहां पर जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उससे भी ड्रॉप आया, है ना, तो लिख देंगे कितना, माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस I3 बराबर यहां से आ गया 0। अब नीचे वाले बी लूप में आते हैं, है ना, बी लूप को अगर आप देखेंगे, और मैं फिर ये सेंट्रल पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस I1 प्लस 10, फिर इधर 4 ओम है तो क्या लिख दूंगा, माइनस 4 टाइम्स I1 माइनस I2, फिर यहाँ 2 ओम है, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल का राइज आएगा 2 टाइम्स I2 प्लस I3 माइनस I1 बराबर 0। और अब एक बार सी लूप की बात करते हैं, ना, यहाँ पर मैं ऐसे जाने वाला हूँ ना एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो पोटेंशियल का क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, क्योंकि मैं भी नीचे जा रहा हूँ, करंट भी नीचे जा रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, सबसे पहले माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस I3 माइनस I1, फिर क्या लिखें, अब यहां पर पोटेंशियल का राइज आया तो प्लस 5, फिर क्या लिखें भाई, आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, मतलब माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस I3 बराबर 0। तो बेसिकली अपने पास तीन इक्वेशन आ गए और तीन अंकों में I1, I2 और I3। तो चलिए इक्वेशंस को थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं, क्या लिख देंगे यहां पर, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2I2 और 4I2, मतलब 6I2 हो गया और 1I1 हो गया, तो I1 प्लस 6I2 और क्या लिखें, प्लस 2I3 बराबर कितना लिख दें, बराबर लिख देते हैं 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग, यहां पर देखिए I1 एक है, 4 और हो गए और 2 और हो गया, तो 7I1, फिर क्या लिखें, I2 4 माइनस 4 हो गया और प्लस 2, है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा 4 और 2 6, मतलब कि माइनस 6I2 और I3 कितना हो जाएगा, 2I3 है तो उधर जाएगा, तो माइनस 2I3 मतलब माइनस 2I3, और ये कितने के बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया 10 के। और आखिरी इक्वेशन देखते हैं, आखिरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इधर गया तो I1, हाँ I1 कितना हो गया यहाँ पर, 2I1 हो गया ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2I1, फिर I2 कितना हो गया, माइनस 2I2 मतलब माइनस 4I2, और I3 कितना हो गया, माइनस 2I3 और माइनस 2I3 मतलब माइनस 4I3 बराबर कितना हो गया, माइनस 5। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ऊपर वाली 2 और ऊपर वाली 1 हो गई। तो अपने पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने इक्वेशंस आ गए, अपने पास टोटल 3 इक्वेशंस आ गए, है ना। अब इन 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और क्या हासिल करना है, I1, I2 और I3, है ना। तो
तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि मैं एक बार आई वन की वैल्यू निकाल लू आई टू और आई थ्री के टर्म्स में। तो आई वन कितना आ जाएगा, आई वन आ जाएगा 10 - 6 I2 - 2 I3, है ना। अब इसको पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 7 times I1, मतलब 7 times 10 - 6 I2 - 2 I3, है ना। ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 10 + 6 I2 + 2 I3 के बराबर। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, 70 - 42 I2 - 14 I3 = 10 + 6 I2 + 2 I3। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से आ गया 48 I2 और कितना आ गया +16 I3 = 60, है ना। तो एक इक्वेशन मेरे पास I2 और I3 के टर्म्स में कुछ ऐसी आ गई। चलिए तो अब फाइनली एक काम करते हैं कि I1 की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 10 - 6 I2 - 2 I3 = -5 + 4 I2 + 4 I3, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, 20 - 12 I2 - 4, है ना, 4 I3 = -5 + 4 I2 + 4 I3। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से आ गया 16 I2 + 8 I3 = कितना आ गया, ये 25, है ना। तो अपने पास देखिए I2 और I3 में एक और इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन ऑलरेडी अपने पास कौन सी थी, 48 I2 + 16 I3 = 60। तो दूसरी इक्वेशन भी आ गई, तो I2 और I3 में दो इक्वेशन अगर आ गई है तो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I2 तो गायब हो जाएगा, बच क्या जाएगा 24 I3। तो 24 में से 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 I3 = 75 - 60, मतलब कि 15। तो यहां से I3 कितना आ गया, 15/8 एम्पियर, है ना। तो I3 अगर 15/8 एम्पियर हमारे पास आ गया तो हम लोग बड़े आराम से यहां पर निकाल सकते हैं कि I2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5/8 एम्पियर, और इसी तरीके से I1 अपने पास आ जाएगा 5/2 एम्पियर, है ना। तो ये हम लोगों ने I3, I2 और I1 निकाल लिया, तो आई गेस अब तो सब कुछ ही आ जाएगा। चलिए तो जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसके ऊपर एक और सवाल देखते हैं। सवाल है फाइंड द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टर, है ना, ये जो बीच वाली जो ब्रांच है उसमें करंट निकालना है। अब आप फिर से देखिए यहां पर ये सवाल जो है बहुत आसान हो गया, क्योंकि पी से क्यू लेफ्ट से अगर हम लोग आएंगे तो एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। पी से क्यू में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है तो यहां पर 0 EMF वाली बैटरी मान सकते हैं, और राइट साइड में क्या है, एक बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस है। इन 2 रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब फिर से हम लोग पी और क्यू के बीच में एक बैटरी बना सकते हैं। तो चलिए उस बैटरी का ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए अपने को पहले तो इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करना होगा। यहां पर मैं बना देता हूं पी और इधर बना देता हूं मैं इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ। यहां पर ईएमएफ में लिख देता हूं 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा 3। बीच वाली विंग में क्या बना दूं, मैं बीच वाली विंग में भी मैं ऐसे ही दिखा देता हूं कि एक बैटरी जिसका ईएमएफ 0 है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, और जो राइट वाली विंग है उसमें देखिए मुझे मैंने क्या दिखाया, यहां पर छोटा डंडा पहले दिखाया ना, मतलब लो पोटेंशियल यहां दिखाया है और उसके आगे एक हाई पोटेंशियल और एक रेजिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल डायग्राम में तो ऐसा उल्टा है। तो यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पर -9 वोल्ट लिख देते हैं और 2 और 3 को जोड़ करके 5 ओम बना देते हैं। ऐसा मैंने क्यों, क्योंकि मुझे ये जो डायग्राम दिख रहा है ना पी और क्यू के बीच में, इसका मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकता हूं, मतलब कि मैं बना सकता हूं यहां पर पी है, यहां पर एक बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा और यहां पर क्यू पॉइंट है, तो मैं ई नॉट और आर नॉट निकाल सकता हूं। ई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा भाई 6/3 + 0/1 - 9/5 / 1/3 + 1/1 + 1/5। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम 15 अगर ले ले हम लोग तो ये बन जाएगा 5 6 30 और इधर हो जाएगा -27, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 15 का आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 5 + 15 + 3।
तो यहां से अपने पास E नॉट कितना आ गया, E नॉट आ गया 3/, ये हो जाएगा 20+3 23, है ना, इतना वोल्ट आ गया हमारे पास EMF। अब जरा देखिए यहां पर, वैसे तो अपने को R नॉट की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, आइए आपको मैं दिखाता हूं यहां पर कि अपने को ये दिख रहा है कि P और Q के क्रॉस सिर्फ एक बैटरी लगी है, कि किसी से एक्सटर्नली कनेक्टेड तो नहीं दिखाई हुई है, तो इसका मतलब कि यहाँ P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर ही आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि P का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो Q का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3/23 वोल्ट, है ना, बस यही डेटा मुझे चाहिए था। तो अब सवाल में आइए, इसको 0 वोल्ट बोल दीजिए, इसको 3/23 वोल्ट बोल दीजिए। अब आप देखिए कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3/23 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, ऑब्वियस है 3/23 वोल्ट अपॉन 1 ओम, मतलब कि 3/23 एम्पियर, यही हमारा जवाब हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर इन द आर्म ईबी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर कि बी का पोटेंशियल लेट अस से 0 वोल्ट है ना, तो यहां पर जो बीच में पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम चलिए कुछ दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम चलिए एफ हो गया ना, तो जी दे देते हैं ना, तो जी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 वोल्ट हो जाएगा, बी से जी जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज कर रहा है। अब यहां 4 ओम में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो जी का पोटेंशियल है वही ई का पोटेंशियल होगा और वही डी का भी पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल ऑफ डी कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, है ना। अब बी से ए की तरफ बढ़िए, बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहां बैटरी 9 वोल्ट की है, तो ऑब्वियस है कि 9 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो ए का पोटेंशियल 9 वोल्ट हो जाएगा। तो खत्म हो गया सवाल, ए का पोटेंशियल 9 वोल्ट, डी का पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी कितना आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा 9 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट आंसर, बस इतना आसान था। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा करंट के जो भी आ रहे हैं, क्योंकि धीरे 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 जो और भी जो लेक्चर्स आएंगे वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं ना। तो चलिए असाइनमेंट कर लीजिएगा रिविजन अच्छे से करने के बाद, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।